द फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बनाते हैं, बट वी डू नॉट यूज दिस प्रोसेस अ लॉट बिकॉज टेम्परेचर, देखो स्लाइट चेंज ऑफ टेम्परेचर विल कॉज इट टू बी आइदर इथीन और एन इथर. इथीन कैसे बना? इथीन कैसे बना? ये सी एच टू एच और यहां पे सी एच टू ओ एच. तो बेसिकली क्या हो गया? इट बिकम्स अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस. डिहाइड्रेशन से एच एन ओ एच चला गया एंड हमारे पास जो कंपाउंड आया दैट इज व्हाट? एन एल्कीन. दैट इज एट अ लिटिल बिट ऑफ अ हायर टेम्परेचर. थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर होगा, दैट इज ओनली अराउंड 30 केल्विन. इफ यू हैव 30 केल्विन लोअर टेम्परेचर we are going to get an ether. Now let's look at the ether kaise bana, uska mechanism. Now this is basically a SN2 mechanism. Dhyan mein rakhna, it is an SN2 mechanism. SN2 mechanism kya hota hai? One step mechanism hota hai. One molecule. Exactly. One step mechanism. Let's go to chapter number one. What did we have? We had a C out here like this. यहां से आपका कुछ भी था, X था वहां पे, और यहां से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया from the opposite direction. It takes place in the same step. ठीक है. अब ये बेटा सबसे पहले H plus attract होके यहां पे चला गया, attach हो गया. तो अब ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया. ठीक है. अब यहाँ पे जब हमारा ऐसे होगा, ठीक है, तो हमारा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अटैकिंग दिस कार्बन बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द पॉजिटिव चार्ज. अब ये न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड हमारा वॉटर बाहर चला गया. वाटर बाहर चला गया नहीं, इट इज ओनली दी, हाँ, वाटर बाहर चला गया. ठीक है. सो वाटर हैज गॉन आउट. ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, उसको हटाने के लिए ये हाइड्रोजन चला गया. ठीक है. तो हमारे पास क्या बन गया? इथर. नाउ लेट्स लुक एट इट वंस मोर ऑन आवर वर्ड डॉक्यूमेंट. व्हाट इज हैपनिंग एट 413 केल्विन एंड व्हाट इज हैपनिंग एट आवर द अदर वन. In the 413 Kelvin, we have a CH2H. Now, this is the revision of our what happened out there with an OH. ठीक है? Dehydration. Exactly. Dehydration जब हो जाता है. तो remember dehydration में क्या हो जाता था? हमारे पास exactly H plus था. सबसे पहले ये H plus यहाँ पे attach हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप इज द सेम इन बोथ द केसेस. हाँ, जब ये यहाँ पे अटैच हो गया तो ये सी एच टू एच, ये सी एच टू, ये हमारा ओ एच एच. अब ओ पे हमारा आ गया पॉजिटिव चार्ज. ओ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज. अब ये वाला जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. जब ये यहाँ पे ऐसे आ गया तो ये बन गया CH2 एंड CH2. यहां पे H है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया. तो हमारे पास क्या आ गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड एन H प्लस. दैट इज वाई इट इज अ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन. That is why it is what? A acid catalyzed dehydration. ठीक है. अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इट इज अ 443 केल्विन. ठीक है. अब 443 केल्विन पे क्या हुआ? लेट्स सी. हमारे पास सेम चीज था CH2H, ओके, CH2OH. अब OH पे अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, H प्लस पास में था, वो H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. H प्लस को अट्रैक्ट किया तो बन गया CH2,
OH CH2 and an OH and an H. ये बन गया हमारा पॉजिटिव चार्ज. अब हमारा दूसरा अल्कोहल आएगा. द नेक्स्ट अल्कोहल इज अ CH3 CH2 OH. अब ये लोन पेयर क्या देखता है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है. SN1 मैकेनिज्म है बेटा. जब एक बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा. ये देखो, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, वी हैव आवर ये वाला CH3, ये वाला CH2 एंड हमारे पास साथ में क्या आ गया, O आ गया. CH2 CH3 O के साथ क्या अटैच्ड है, H अटैच्ड है. तो O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पे आ गया और ये H चला गया. तो हमारे पास अब व्हाट डू वी गेट, वी गेट पहले वाले अल्कोहल से, पहले वाले अल्कोहल का CH3 CH2 एंड सेकेंड वाले अल्कोहल से क्या आया, OCH2 CH3 और बाहर क्या चला गया, बाहर चला गया H+. ठीक है, तो एक केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, इस केस में एलिमिनेशन हुआ. Here we had an elimination और नीचे we had an SN2 nucleophilic substitution. So तेज yes, sir. याद आया, एक बार हम वो डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ये तो हमने पढ़ा था सिर्फ हेलो एल्केन्स में, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी यूज ओनली इन हेलो एल्केन्स. It is not going to be used only in haloalkanes. It is going to be used everywhere. जहां जहां पे nucleophilic substitution हो रहा है वहां वहां पे ये यूज होगा. तो ये वाला टॉपिक आ गया बेटा समझ में. हाउ इज इट डन, ऊपर वाला 413. ओके, सो टेम्परेचर मिस्टेक, लेट्स चेंज द टेम्परेचर. इट सीम्स आई हैव मेड अ रेजोल्यूशन दैट इन एवरी क्लास वील हैव अ मिस्टेक. ओके, सो ये वाला 443 है, राइट right? ठीक हो गया बेटा. ओके, सो इट इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन. एक्सप्लेन द सेकेंड वन वंस मोर. ओके, एक बार फिर से देखो. स्टेप वन, आपके पास अल्कोहल है. आपके पास क्या है, अल्कोहल है. अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, साथ में एक H प्लस है. एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म है. H प्लस विल गेट अट्रैक्टेड टू O. तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, CH3 CH2 OH एंड H आउट हियर. H लगने के वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अब बेटा इसको फिर से हमारे पास अब एक दूसरा आ जाएगा. हमारे पास दूसरा क्या आ गया, CH3 CH2 OH. ये O पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू अटैक हियर. ये बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाएगा और यहां वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा. ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया. तो अब देखना क्या बना, हमारे ब्लू वाले जो है, ब्लू वाले में सिर्फ CH3 CH2 बचा. वाटर गायब हो गया. वाटर क्या हो गया, गायब हो गया. और पिंक वाले के साथ क्या हो गया, पिंक वाले के साथ O आ गया, H आ गया, CH2 आ गया, CH3 आ गया. अब O के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहां आएगा,
हाइड्रोजन बाहर चला गया, तो हमारे पास व्हाट आर वी लेफ्ट विद, ब्लू वाले पार्ट का क्या बचा है, ब्लू वाले पार्ट का CH3CH2 बचा है, पिंक वाले पार्ट का क्या बचा है, ठीक है, एंड एक H प्लस आयन बाहर आ गया। अब आ गया बेटा समझ में, ठीक है, एवरीवन इज क्लियर? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ विलियमसन सिंथेसिस, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स ऑफ क्लास 12, ठीक है।